आपके सामने हारिस रऊफ की एक मिसाल है, सेंचुरी करते करते रुका है वो लड़का, 3 रन से रह गए खाली। वो तो 97 कोई शर्ट पहनी हुई थी, उस वजह से मेरे ख्याल से 97 पर आके रुक गई बात उसकी, वरना खुदा ना खास्ता अगर 101 पहनी हुई होती तो आज सेंचुरी उसकी पक्की थी हारिस रऊफ की। प्रैक्टिस मैच का मतलब ये नहीं है कि आपने प्रैक्टिस करवानी है जाके, भाई वार्म अप मैच है, वार्म अप मैच को भी आपको उसी तरह से खेलना है जैसे आपने इंटरनेशनल में खेलना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो उस मैच के अंदर। और वार्म अप मैच को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से, जिस तरह हमारे प्लेयर्स ले रहे हैं तो प्रैक्टिस थोड़ी करवाने जा रहे हैं। हारिस रऊफ की बॉलिंग देखें, 10 ओवर्स में 97, भाई माना तुम्हारे शर्ट का जो है वो उस नंबर 97 है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उससे ऊपर जाने की कोशिश करोगे। और इसी तरह शादाब को देख लें, शादाब फिर वही मार खाया जा रहा है, आज तो पूरे पूरे 10 ओवर करा लिए, क्यों, क्योंकि कैप्टन थे तो पूरे 10 ओवर कराए, 1 विकेट ली है और स्कोर वही। और एक चीज़ और बता दूँ, आज जब शादाब कप्तानी कर रहे थे तो बाबर आजम ने बाहर ही रहना था, जस्ट उनको बैटिंग के लिए आना था, लेकिन जब उन्होंने देखा हालात को जिस तरीके के, वो भी ग्राउंड में उतर आए और उसके बाद बैटिंग भी थोड़ी सी लेट करने आए, जबकि उनका इरादा नहीं था बैटिंग करने का, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भाई स्कोर किसी ने करना ही नहीं है, इन द एंड स्कोर मैंने ही आगे करना है यहाँ पर हमेशा की तरह। तो वही हुआ, फ़खर जमान को देख लें आप, स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, थोड़ा सा पुरानी झलकियों में आने लगे, लेकिन यार आप क्या फ़ायदा 18-19 इनिंग्स के बाद आप 1 इनिंग में चल रहे हो, तो वो ऐसी इनिंग का क्या फ़ायदा। हमेशा तो उसके बारे में यही बात होती है कि भाई वो 1 इनिंग खेलेगा तो मैच को इधर सुधर कर देगा, तो भाई क्या फ़ायदा ऐसी 1 इनिंग का। इससे अच्छा आप ऐसा प्लेयर लेकर आएँ जो 18 में से 10 मैच में चले, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, या वो 18 में से 1 खेलने वाला वो फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह इमाम भी है, इमाम से भी स्कोर नहीं हो रहा है, इमाम को कोई हाईलाइट नहीं करता है, लेकिन वो जो है ना खामोशी से अपने काम कर रहा है, अपने लिए खेलता है, अपना एवरेज अच्छा करता रहता है, वो टीम के लिए मुझे नहीं लगता कहीं से खेलता है, अभी तक उसकी इस तरह की कोई इनिंग नहीं आई जो आप कह सकें कि यार नहीं टीम के लिए खेला है। इसी के साथ लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं सऊद शकील को, क्योंकि निकलाया भाई सऊद शकील ने तो स्कोर किया पिछले मैच में, उसको तो खिलाना चाहिए था, उसको कॉन्फिडेंस लेवल बहाल करना चाहिए था, उसका तो खिलाना बिल्कुल बिल्कुल बनता था उसको, क्यों किस वजह से बिठाया गया, बीमार था, इंजर्ड था या क्या इशू था, सऊद शकील तो बैठता ही नहीं है यहाँ पर, उसको क्यों बिठाया गया, मेरे तो ये बात समझ में नहीं आई बिल्कुल भी। इफ्तिखार चाचू हमारे इतने ज़्यादा माशाल्लाह उम्र नहीं मतलब एक्सपीरियंस, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और इफ्तिखार को मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी कहा था, मैंने इफ्तिखार की परफॉर्मेंस से मुझे फ़िलहाल तो कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि वो अच्छे मैचेस में और एक्सपीरियंस अच्छे और बड़े मैचेस में अक्सर वो स्कोर कर जाता है प्रेशर सिचुएशन में आके, अगर आप देखें तो इफ्तिखार अक्सर रन कर जाता है और बहुत अच्छे रन कर जाता है, तो इफ्तिखार तो टीम में अभी तक जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन। इसी के साथ बाबर आजम ने आके मजबूरन उसको आना पड़ा, वो मेरा मुझे नहीं लगता कि वो आना चाह रहा था, लेकिन उसे मजबूरन आना पड़ा। भाई जहाँ आपने 90 रन बना लिए थे वहाँ 15-20-30 रन बनाने में और क्या जा रहा था, इतना कौन सी ऐसी प्रैक्टिस थी कि भाई वो आपको करानी थी सलमान अली आगा को, भाई आप सेंचुरी कर लेते, 110-115-120 कर लेते, वो टीम के लिए काम आ जाते, टीम अभी मैच जो है वो जीतती तो आपका मोराल जो है ना वो कहीं का कहीं चले जाता, चाहे वो वार्म अप मैच हो, प्रैक्टिस मैच, कोई सा भी मैच हो, लेकिन आपको जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो हमारा पास रिकॉर्ड अभी चलता हुआ आ रहा है एशिया कप से लेके पिछले वार्म अप मैच तक, वो हम लोग हार ही रहे हैं तकरीबन, तो यहाँ पर अगर जीत मिलती तो थोड़ा सा मोराल जो है ना आपका हाई हो जाता नेदरलैंड से खेलते वक्त, और नेदरलैंड से जीतते तो आपका मोराल और हाई होता, तो आप आगे थोड़ा सा आपकी जो है ना वो पिक्चर थोड़ी क्लियर होती चली जाती, लेकिन खैर यहाँ पर फिर हम लोग हार गए। के साथ बात करते हैं थोड़ी सी बॉलिंग सेक्शन में, तो सब तकरीबन ही सब पिटे हैं, हारिस रऊफ को ले लें आप, नवाज़ फिर पिटा है, वही 1 विकेट, नवाज़ की बॉल वही सीधी स्ट्रेट स्पिनर, और उसामा मीर की मैं आप लोगों से बात कर रहा था, देखिए उसामा मीर ने परफॉर्म करके दिया है और बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेग स्पिन, और बैटिंग में भी वो काफ़ी अच्छा है, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ कि बैटिंग बहुत ज़्यादा उसकी, उसामा मीर की बैटिंग बहुत अच्छी है, तो उसको आप नवाज़ की जगह कंसिडर कर सकते थे, लेकिन बात वही आ जाएगी अगर नवाज़ को हटाते हैं तो क्या आप 2 लेग स्पिनर को लेके जाएंगे टीम के अंदर, शादाब तो हटने वाला है नहीं, वाइस कैप्टन है उसको तो जाहिर है, वाइस कैप्टन के अंडर द शेड उसको जो है आपने वो छुपाया हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस को छुपाया हुआ है, और उसकी परफॉर्मेंस को छुपाया हुआ है कोई बात ही नहीं करता उसके बारे में, जबकि आप देख लें अगर आप उसके स्टैट्स निकाल के देखें तो कितना टाइम से वो परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन टीम के साथ चल रहा है, फील्डिंग अच्छी करता है लेकिन आप फील्डिंग के बेस पे किसी को टीम में नहीं रख सकते। खैर बहरहाल ये एक अच्छा वार्म अप मैच हुआ, लेकिन यहाँ इस मैच से हमें और ये जितने भी वार्म अप मैचेस हुए हैं इससे हमें एक चीज़ का पता चलता है कि यहाँ पर आपको बॉलिंग ही जितवाएगी, और बॉलिंग के अंदर भी खास शोभा जो है वो स्पिनर्स का है, मैं पिछले वीडियोस में भी बोला है अभी भी बोल रहा हूँ कि खास जो है वो शोभा स्पिनर्स का है, और हमारे स्पिनर्स फ्लॉप चल रहे हैं टोटली,
उसामा मीर ने अभी बॉलिंग की है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि वो मैचेस में खेलेगा। मैचेस में यही दो स्पिनर्स आपके खेलेंगे, नवाज और शादाब, लेकिन इनसे अभी तक परफॉर्म नहीं हो रहा है। फास्ट बॉलर जो हैं वो तकरीबन मार खा रहे हैं। आपके सामने हारिस रऊफ की एक मिसाल है, सेंचुरी करते करते रुका है वो लड़का, 3 रन से रह गए खाली। वो तो 97 कोई शर्ट पहनी हुई थी, उस वजह से मेरे ख्याल से 97 पर आके रुक गई बात उसकी, वरना खुदा ना खास्ता अगर 101 पहनी हुई होती तो आज सेंचुरी उसकी पक्की थी हारिस रऊफ की। तो खैर इस तरह की बॉलिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदारी से भी बॉलिंग नहीं करनी चाहिए यार। आप 150 प्लस बॉलिंग कर रहे हो, रमीज राजा ने कहा था आपको कि 150 आप बॉलिंग 150 आपकी स्पीड है, आप तो सिर्फ लाके बॉल फेंको, आपको तो वेरिएशन की ज़रूरत ही नहीं है। आज वही रमीज राजा बैठे हुए थे कॉमेंट्री में और वो देख रहे थे उसकी धुलाई होते हुए। तो भाई वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बॉलर्स के लिए, और आज की मॉडर्न क्रिकेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वेरिएशन। जिसके पास नहीं है 150 भी मार लो, कुछ भी कर लो, वो मार खाएगा ही खाएगा। तो जी ये था मैच का थोड़ा सा रिव्यू, और मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मैच के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।